लोकसभा चुनाव के लिए बिहार में महागठबंधन की सीटों के बंटवारे का ऐलान हो गया है। बिहार की 40 सीटों में से 20 सीटों पर राष्ट्रीय जनता दल, 9 सीटों पर कांग्रेस, 5 सीटों पर रालोसपा और 3 पर हिंदुस्तान आवाम मोर्चा अपने उम्मीदवार उतारेगी। इसके अलावा वीआईपी को 3 सीटें और राजद कोटे से 1 सीट सीपीआई माले को मिली है। महागठबंधन ने पहले चरण की सीटों के लिए उम्मीदवारों के नामों का ऐलान भी कर दिया है। गया से हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के जीतन राम मांझी चुनाव मैदान में हैं। नवादा में आरजेडी की ओर से विभा देवी को टिकट दिया गया है, जबकि जमुई लोकसभा सीट से आरएलएसपी के भूदेव चौधरी को प्रत्याशी घोषित किया गया है और औरंगाबाद से हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के ही उम्मीदवार उपेंद्र प्रसाद को टिकट दिया गया है। सीटवार इस प्रकार है, राष्ट्रीय जनता दल 20, कांग्रेस 9। इस आशय के साथ भी कि राज्यसभा की पहली सीट बिहार कांग्रेस की किसी नेता को जाएगी। रालोसपा 5, हम 3, वीआईपी 3 और माले को 1 सीट राजद कोटे से। गया हिंदुस्तानी अवामी मोर्चा प्रथम चरण का मैं दोहरा रहा हूं, श्री जीतन राम मांझी जी। नवादा राष्ट्रीय जनता दल श्रीमती विभा देवी, जमुई रालोसपा श्री भूदेव चौधरी, औरंगाबाद हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा श्री उपेंद्र प्रसाद। विधानसभा के उपचुनाव में दलगत स्थिति, नवादा हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा धीरेंद्र कुमार सिंह उर्फ मुन्ना, डेहरी राष्ट्रीय जनता दल मोहम्मद फिरोज हुसैन। और इधर लोकसभा चुनाव के लिए बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने पार्टी के उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है और पहली सूची के तहत यूपी के 11 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया गया है। समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के साथ यूपी में मिलकर बनाए गए गठबंधन में बहुजन समाज पार्टी को 38 सीटें मिली हैं, जिनमें से 11 सीटों पर मायावती ने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी। और दूसरी ओर समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने गाजियाबाद सीट पर बसपा के पूर्व विधायक सुरेश बंसल को पार्टी की सदस्यता दिलाते हुए इस सीट से सपा का प्रत्याशी घोषित कर दिया है। पहले गाजियाबाद सीट पर समाजवादी पार्टी की तरफ से पूर्व विधायक सुरेंद्र कुमार शर्मा उर्फ मुन्नी शर्मा को उम्मीदवार बनाया गया था। दूसरी ओर शिवसेना ने भी लोकसभा चुनाव के लिए अपने 21 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है और इस लिस्ट में दक्षिण मुंबई से अरविंद सावंत को पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है, जबकि शिरडी लोकसभा सीट से सदाशिव लोखंडे को टिकट दिया गया है। शिवसेना भाजपा के उम्मीदवारों की जो सूची है जारी कर दी गई है, 23 जगह शिवसेना लड़ रही है, उसमें से 21 उम्मीदवारों की सूची आज जाहिर हो चुकी है। 2 उम्मीदवार अभी हम घोषित करना बाकी है, एक पालघर और सातारा। ये दोनों नामों की घोषणा 2 दिनों में, हो सकता है रविवार को ये जाहिर हो जाएंगे। पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर बीजेपी में शामिल हो गए हैं। आज दिल्ली में बीजेपी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली और रविशंकर प्रसाद की मौजूदगी में उन्होंने पार्टी की सदस्यता ली। बीजेपी में शामिल होने के बाद गौतम गंभीर ने कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से प्रभावित होकर पार्टी में आने का फैसला लिया है। हमारे प्राइम मिनिस्टर से बहुत प्रभावित होकर और उनके विजन से बहुत प्रभावित होकर आई एम जॉइनिंग दिस पार्टी एंड आई एम श्योर दैट आई एम गोइंग टू लिव अप टू दैट एक्सपेक्टेशंस बिकॉज आई हैव डन व्हाट एवर आई कुड इन क्रिकेट एंड दिस इज़ अ फैबुलस प्लेटफॉर्म फॉर मी टू डू समथिंग रियली गुड फॉर दिस कंट्री एंड टेक दिस पार्टी फॉरवर्ड एंड मेक दिस कंट्री अ मच बेटर प्लेस टू लिव। सो आई एम श्योर, जैसे सर ने मुझे बोला, विद सर्स ब्लेसिंग एंड आई एम गोइंग टू ट्राई एंड डू माई बेस्ट। कांग्रेस ने भी आंध्र प्रदेश में लोकसभा की 3 और विधानसभा की 45 सीटों के लिए उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। पार्टी महासचिव मुकुल वासनिक की ओर से जारी सूची के मुताबिक पार्टी ने आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम लोकसभा क्षेत्र से रमना कुमारी पेद्दा, विजयवाड़ा से एन नरसिंह राव और नांदयाल से लक्ष्मी नरसिंह यादव को टिकट दिया है। पार्टी ने लोकसभा उम्मीदवारों की ये 7वीं सूची जारी की है। इससे पहले कांग्रेस कुल 149 उम्मीदवारों की घोषणा कर चुकी है, जिसमें सोनिया गांधी और राहुल गांधी के नाम भी शामिल हैं। आंध्र प्रदेश में 11 अप्रैल को मतदान होना है।
तेलंगाना राष्ट्र समिति ने 11 अप्रैल को होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए 17 उम्मीदवारों की सूची का ऐलान कर दिया है। इसमें पार्टी प्रमुख और मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता को निजामाबाद से फिर से टिकट दिया गया है। वो इसी सीट से सांसद हैं। सूची में अन्य उम्मीदवारों में बी विनोद कुमार करीमनगर से, बी वेंकटेश नेतकानी पेद्दापल्ली से और जी नागेश आदिलाबाद, बीबी पाटिल जाहिराबाद, के प्रभाकर रेड्डी मेडक से उनके नाम शामिल हैं। तेलंगाना में 17 लोकसभा सीटें हैं। इन सभी सीटों पर 11 अप्रैल को होने वाले पहले चरण में मतदान होगा। लोकसभा चुनाव 2019 करीब है, पर नेताओं की दल बदली लगातार जारी है। बीजू जनता दल के राज्यसभा सदस्य प्रशांत नंदा के पुत्र ऋषभ नंदा भाजपा में शामिल हो गए हैं। वहीं दूसरी तरफ इंडियन नेशनल लोकदल के विधायक रणबीर गंगवा भी भाजपा में शामिल हुए। ऋषभ नंदा भुवनेश्वर के पार्टी मुख्यालय में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और भाजपा उपाध्यक्ष बैजयंत जय पांडा के मौजूदगी में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। और उधर हरियाणा में नलवा से INLD के विधायक रणबीर गंगवा कल बीजेपी में शामिल हुए थे। गंगवा को पार्टी मुख्यालय में मुख्यमंत्री मनोहर लाल की उपस्थिति में भाजपा में शामिल किया गया था। बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की आज फिर बैठक हो रही है और संभावना है कि बैठक में उन सीटों पर उम्मीदवारों के नाम पर अंतिम मुहर लगेगी जहां अभी तक उम्मीदवार घोषित नहीं किए गए हैं। इससे पहले बीजेपी ने गुरुवार को लोकसभा चुनाव के लिए अपने 185 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की थी, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा अध्यक्ष अमित शाह का भी नाम शामिल था।